फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, चीन में हड़कंप। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के शख्स ने मचाया तहलका। अक्साई चिन, देखें क्या है भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जिनेवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बैठक के दौरान कश्मीर के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जुनैद कुरैशी ने अक्साई चीन का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद अब जबरदस्त बवाल मच गया है। जुनैद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि अक्साई चीन के एक बड़े हिस्से पर चीन का अवैध कब्जा है। उन्होंने आगे कहा कि अब औपचारिक रूप से अक्साई चीन को चीन के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर यानी सीओके कहना चाहिए। चर्चा के दौरान जुनैद कुरैशी ने कहा कि मैं अपने पूर्वजों की भूमि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर परिषद का ध्यान खींचना चाहता हूं, जिस पर कई सालों से बहस होती आई है। The Vice President, I would like to draw the Council's attention to the first ever report on Jammu and Kashmir by the Office of the High Commissioner for Human Rights. उन्होंने कहा कि अक्साई चिन जम्मू और कश्मीर के 20% से अधिक क्षेत्र में फैला है, जो आकार में लगभग भूटान के ही बराबर है। संयुक्त राष्ट्र में जुनैद कुरैशी के बयान को सुनने के बाद अब चीन ने कड़ा एतराज जताया है। चीन ने कहा कि जुनैद कुरैशी ने जो बयान दिया है वो चीन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। चीन ने आगे कहा कि ये बयान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन करता है और चीन अनुरोध करता है कि जुनैद की मांग पर ध्यान ना दिया जाए। एक कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र के सामने ये अपील की है कि अक्साई चिन को भी जम्मू कश्मीर का ही एक भाग माना जाए, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। दरअसल अक्साई चिन ही वो जमीन है जिसके पीछे भारत और चीन के बीच में 1962 का युद्ध हुआ। अक्साई चिन बहुत जरूरी है चीन के लिए, क्योंकि अक्साई चिन के जरिए ही चीन वो सड़कें बनाता है जो उसके पश्चिमी प्रांत जिनजियांग तक जाती है। जिनजियांग प्रांत उइगर मुसलमानों का घर है, जिनके ऊपर चीन लंबे अरसे से बहुत अत्याचार कर रहा है, और वहां दमन करने के लिए हमेशा चीनी फौजों को सबसे करीबी रास्ते की जरूरत होती है, और वो रास्ता अक्साई चिन से ऊपर जाता है। 1950 के दशक में चीन ने अक्साई चिन में सड़कें बनानी शुरू की, लेकिन भारत में उस समय हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील का युग था, इसलिए भारत ने उन सबको अनदेखा किया। 1959 में भारत ने अक्साई चिन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करनी शुरू की। जाहिर है चीन ने कोई ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद चीन ने भारत को सबक सिखाने के लिए 1962 में हमला किया, और उसके बाद अक्साई चिन चीन का अभिन्न हिस्सा हो गया। लेकिन अभी भी अक्साई चिन भारत के मानचित्र में दिखाया जाता है, और ये पुराने जम्मू कश्मीर राज्य का ही एक हिस्सा है जिस पर चीन का कब्जा है। 38,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में ज्यादातर बर्फीले रेगिस्तान है, और यहीं से चीन लद्दाख के बाकी इलाकों में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। भारतीय संसद ने बहुत अच्छे से बहुत ही जोर देकर ये बात कही है कि जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होती है तो अक्साई चिन की बात भी उसमें शामिल है, जो कि चीन के कब्जे में है, और भारत अक्साई चिन के उस हिस्से पर आज भी अपना दावा कायम रखे हुए है, और उसको वो भारत में मिलाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज़ है, मैं तो कहूंगी। और मैं बताया, जब मैंने फर्स्ट टाइम अक्साई चिन के बारे में न्यूज में सुन रही थी ना, तो मेरे दिमाग में आया भी था, और मेरा ये दिमाग में आया था कि भैया इसको अक्साई चिन बोलते क्यों है, क्या जैसे हम वहां पे पीओके बोलते हैं तो इसको क्यों नहीं बोलते चाइना ऑक्यूपाइड, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है तो ये चाइना ऑक्यूपाइड क्यों नहीं है। तो मेरे को लगा था कि शायद अक्साई चिन में अक्साई का कुछ मतलब होता होगा कि चाइना ऑक्यूपाइड, तो मैं तो यही सोच के चुप रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें अक्साई चिन में उस टाइप का वो वर्ड ही नहीं है कि भैया ये चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है इंडिया का, इंडिया की जगह। तो मैं वही सोचती रही मैं, क्योंकि अक्साई मुझे पता ही नहीं क्या मतलब होता है। तो अब मुझे दिखा, तो जब सुना है कि भाई अब वो उसको कह रहे हैं कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलो, तो अब मुझे पता चला कि अक्साई चिन का मतलब है ही नहीं कि चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है, तो क्यों नहीं भाई अब उसको नाम दिया गया, आपको उसी टाइम देना चाहिए था। जितनी बारी सुनते हैं ना कि उस टाइम जी चल रहा था हिंदी चीनी भाई भाई, इतना गुस्सा आता है ना कि तुम क्या तुम सोच रहे हो, अगर तुमने तुम्हारा एरिया वहां पे लिया है तो भाई भाई कहां से हो गए। सबसे पहले अपना जो घर है, अपना जो लैंड है, उसको बचाओगे कि भाई भाई करके दूसरों को अपना जमीन ही दे दोगे।
क्या बात कर रहे हैं यार, क्या सोच थी, और उसके बाद जब लड़ाई होके वो सब हुआ तब तुमने क्या किया? बहुत ही गलत काम किए जिसका अभी तक हम भुगत रहे हैं। इतनी गलत सोच, इतना गलत जो स्टेप्स लिए ना, वही कहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आ जाए और गलत स्टेप ले ले तो पूरी कंट्री को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। पर ये स्टैंड बहुत अच्छा है कि अब शुरू कर दिया बोलना, अभी ये स्टार्टिंग की है, अब ये इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। जैसे बोल दिया कि दिस इज नॉट, ये इसको एक्साइचिन को हम बोलेंगे भैया इसको बोलो आप चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो बहुत अच्छा स्टार्टिंग शुरू हो गई है मैं तो कहूंगी। राइट, देखिए वही है कि जो पार्ट किसी ने लिया है वो एक दिन तो वापस आना चाहिए यार। अब उसके लिए चाइना से फाइट करने के लिए ये होगा कि आपको चाइना के इक्वल बनना पड़ेगा या स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, किसी चीज में एक्सपर्टी आनी पड़ेगी, वो वेपन्स ही हैं। अगर आप बोलते हैं कि और चीजों में अच्छे तो भी बात नहीं बनती, एंड ऑफ द डे इतनी पावर आनी चाहिए कि आप कह सके भाई हमारे पास नेगोशिएट करने के लिए बहुत कुछ है और साथ वाले को मतलब से के भारी होने की पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वेपन्स चाहिए, फिर आप कह सकते हैं मेरे पास ज्यादा वेपन्स हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी है, मैं तुम्हें कभी भी मतलब हरा सकता हूँ, कभी भी पछाड़ सकता हूँ, कभी भी तुम्हारा मतलब बुरा हाल कर सकता हूँ। अगर वैसा हो तभी चीजें वापस आएंगी। ये जैसे सभी लोग कह रहे हैं, जैसे कितने सारे वीडियोस किए हैं कि पोजीशन ऑफ पावर से ही आता है, ऐसे मतलब बातचीत से कभी नहीं आएगा, जब आप पावरफुल होंगे। उन्होंने बातचीत से तुड़को लिया था, उन्होंने भी लड़के ही लिया है लड़ाई तो करके। जब अब इसके लिए ये है कि काफी मेहनत लगेगी इसको करने में। उसी जब दिख रहा है कि चाइना जो है उनकी जीडीपी 5 times आगे जा चुकी है, 4-5 times 400% ऊपर जा चुकी है, तो आपको पहले इसको कैचअप करना है। जब तक उनका जीडीपी ज्यादा है, उनकी डिफेंस बजट आपसे 4-5 times ज्यादा है, तो आप कैसे किसी को से मतलब हरा सकते हैं? राइट, आप ये बोलेंगे देखिए टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए और आपके पास वेपन स्ट्रॉन्ग, उसके लिए कौन बनाएगा? बाहर से खरीद के तो कभी नहीं कर सकते, आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। खुद ही बनाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसके लिए आपको डिफेंस बजट स्ट्रांग चाहिए। डिफेंस बजट अगर आपका दूसरी कंट्री से 1/4 है तो फिर आप कैसे कम्पीट करेंगे? इसलिए पॉइंट वही है, प्रोग्रेस, ट्रेड करिए, व्यापार मतलब ट्रेड करिए, अपनी मेक इन इंडिया करिए, अपनी कंट्री को आगे लेके जाइए, जीडीपी बढ़ाइए। जब आपका चाइना से आगे जाओ, आपका जीडीपी जब पर कैपिटा उनसे बेटर हो जाता है तब आप बहुत क्लोज आ गए हैं, क्योंकि एरिया भी देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। पर कैपिटा मतलब जितना जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो मतलब आपका जीडीपी उनसे भी ज्यादा होना पड़ेगा, जबकि चाइना के पास इंडिया से 3 times ज्यादा लैंड है, तो चाइना 3 times बड़ा है इंडिया से और उसकी पॉपुलेशन इक्वल टू ऑलमोस्ट इंडिया के इक्वली है, तो इवेंचुअली जो है जीडीपी हमारा ज्यादा होना पड़ेगा और उसके बाद पर कैपिटा ज्यादा होना चाहिए। फिर आप कह सकते हैं कि अब आप चाइना से ज्यादा अमीर हैं, फिर आप जो है बारगेन कर सकते हैं कि भैया ये उसके लिए समय लगेगा और इंडिया को तेजी से आगे बढ़ना है, जो इंडिया बढ़ रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना डिटरेंट है कि और बंदा कोई ले ना पाए, अभी इतना ही होगा कि आप अपने पूरे बॉर्डर को सील रखिए, कोई बंदा अगर अटैक करता है वॉर हो जाएगी, वो पीछे हट जाएगा। अभी तक इतना ही कर नहीं, और वॉर हो के पीछे नहीं हटकाना, फिर उसको और आगे निकल के उसका लैंड ले लो, वो बहुत अच्छा टाइम होगा। ये तो बोला, ये तो वेट करते रहना पड़ेगा। अभी तक तो यही होता है कि इंडिया की लैंड में कोई अटैक करता है, फिर हम लड़ बढ़ के अपनी वापस लेते हैं, आगे जाओ, इतने लोग शहीद हो जाते हैं। अगली बार अगर कोई और इंसान अटैक करता है तो आपको उसको पिनलाइज करने के लिए उसकी लैंड भी लेनी चाहिए। ये तूने अटैक किया, अब तेरी लैंड में ले रहा हूं। जो ली भी है इन्होंने इलीगली हमारी, वो तो लो ही लो, और उसके बाद उनकी जो एक्चुअल लैंड है उसके आगे वहां पे भी लेके रखना है। वही ये स्टैंड इंडिया को करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए और करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ यही होता रहेगा और फिर हम यही बोलते रहेंगे भैया ये क्या हुआ, ये तो हमारा था, ये हमारा था। सिखाना चाहिए, सबक सीखे वो भी, मैं तो यही कहती हूँ। आप बताओ आपको क्या लगता है? काफी अच्छा है ना, वैसे न्यूज तो बहुत कमाल की है, खुशी हुई है सुनकर। तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।